हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल द चॉकलेट स्फीयर और मैं हूँ पोलोमी। आज मैं बना रही हूँ सैंडविच मेरे स्टाइल से। बहुत ही झटपट बनने वाली ये सैंडविच है। कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रखिए और जब बनाना रहे उसे निकालिए और बनाइए और एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। इसका अंदर का फीलिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही क्रिस्पी ये बनता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बनाने का तरीका। तो इसके लिए मैं पहले 4 बॉयल किए हुए आलू को मैश कर लिए हैं, कुछ धनिया के पत्ते, 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मिक्स ओरिगानो, स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों यूज़ किया है। काला नमक देने से टेस्ट बढ़ता है, अगर नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज को इस तरह से काट लिए हैं। ये सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इस टाइम पे हरे मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है इसलिए क्योंकि मिक्स ओरिगानो में चिली फ्लेक रहते हैं, वो तीखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चिली यूज़ नहीं किए है। अच्छे से मसल मसल कर इसको मिक्स करना है क्योंकि जो जो मसाले इसमें डाले गए हैं ये सारे का फ्लेवर अच्छे से एक सार हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए पूरे आलू में, इसलिए थोड़ा सा दबा दबा के बहुत अच्छे से इसको टाइम लेके मिक्स करना है। इसका आलू जब बॉयल कीजिएगा बहुत ज़्यादा गला नहीं देना है, थोड़ा सा हार्ड रखना है कि हाथ से दबाने से वो टूट जाए उस तरह से। अब इसे सेम शेप का बॉल बना लेंगे इस तरह से। अब एक प्लेट में घी या फिर रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर देंगे प्लेट को इस तरह से। हाथ में भी तेल लगा लीजिएगा, उसके बाद इसे शेप दीजिएगा। जो आलू के बॉल बनाए थे उसको टिक्की के शेप में बना लेंगे सारे को और ये ग्रीस किए हुए प्लेट पे इसे रख देंगे। ये सारे टिक्की के साइज में बनाने के बाद इसे 2 से 3 घंटा मैक्सिमम आपको फ्रीज में रखना है और उसके बाद इसको शैलो फ्राई कर लेंगे तो ये इजीली ये बन जाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा अगर आलू को सॉफ्ट कर लेंगे तो इस तरह सा शेप नहीं आएगा, बहुत चिपचिपा रहेगा ये आलू, तो इसलिए ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है। शैलो फ्राई करने के लिए नॉनस्टिक पैन लिए हैं और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। कोशिश कीजिएगा आप भी नॉनस्टिक पैन लेने का, इसलिए क्योंकि थोड़ा से ही तेल में ये शैलो फ्राई बहुत अच्छे से हो जाता है। दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन कलर आ जाने तक इसे सेकना है। देखिए दूसरे साइड को भी अच्छे से ब्राउन कर लेना है। इसी तरह से सारे को सेक लेंगे। सैंडविच के लिए सारे टिक्की बन गए हैं। अब सैंडविच का प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है रूम टेम्परेचर में बटर, हॉट एंड स्वीट टोमेटो सॉस और ये मिक्स ओरिगानो है। मिक्स ओरिगानो से ही इसका टेस्ट अच्छा होता है। और ये है चीज़ स्लाइस, आप क्यूब के चीज़ भी ले सकते हैं, उसको ग्रेट करके भी दे सकते हैं। और मैंने ये वाइट ब्रेड लिया है, आप लोग के पास ब्राउन ब्रेड है तो उससे भी बना सकते हैं। और ये मेरे सारे टिक्की है, मैंने ब्रेड साइड नहीं काटे हैं, आप लोग चाहे तो काट सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया और पुदीने से जो चटनी बनती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ब्रेड को मैंने सेका नहीं है, सबसे पहले इसको केचप को लगाएंगे, हॉट एंड स्वीट सॉस है ये, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के ऊपर। अब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगाएंगे, मिक्स ओरिगानो डाल देंगे, एक टिक्की को रखेंगे इसके ऊपर, एक और ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर हॉट एंड स्वीट टोमेटो सॉस को स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर से कवर कर देंगे। फिर इसके ऊपर से बटर को स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सैंडविच मेकर को मैंने ऑन कर लिए हैं। अब जो इस तरफ ब्रेड में बटर लगाए थे उस तरफ को पलट देंगे, पलट कर रखेंगे। अब इसके ऊपर से भी बटर को स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, पूरे ब्रेड में बटर लगा देना है। इससे क्या होगा कि अच्छा से एक क्रिस्पीनेस आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा सैंडविच का। उसी तरह से दूसरा भी सैंडविच रेडी कर लिए हैं, इसे भी ऊपर से बटर लगा दे रहे हैं और इसे कवर करके गोल्डन ब्राउन कलर जब तक नहीं आए तब तक इसको सेक लेना है।
फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। बेकिंग कुकिंग रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी है। इधर देखिए ये मेरे सैंडविच रेडी हो गए, कितने गोल्डन ब्राउन कलर के बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त बनता है। अगर सैंडविच मेकर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी प्रोसेस को आप तवा में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।